So, namaste everyone. Today we are in the second session of the certification course, जिसका नाम soul है और soul हम सबके अंदर है. That is the scale of understanding life. सब चीजें हमें पता है. The thing is that कि we have to connect with each other to move on the journey of soul. So, before starting this session, I request everyone to please close your eyes for a minute of silence. So, before starting this session, I just want to ask every one of you, आप इमोशन से क्या समझते हैं? What do you understand by emotions? Hello? Any one of you? Anil ji, आप बताएंगे, what do you understand by emotions? नमस्ते मैम. नमस्ते. मैम, इमोशन मींस अपने अंदर के जो भाव रहते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने का जो जरिया रहता है उसको इमोशन बोलते हैं, ऐसी मेरी समझ है. सर, आपने बताया हमारे मन के जो भाव हैं उनको 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 एक्सप्रेस किस करने. एक्सप्रेस करने का जरिया इज इमोशंस. हमारे मन के भाव इमोशंस होते हैं सर, लेकिन जब हम उन्हें किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो जो जरिया बनता है वो हमारा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में आता है. तो तब हम कहते हैं कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस हुए. परा जी, आप बताएंगे इमोशन से आप क्या समझती हैं? मैम, यही होता है इमोशन. जो भी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, सुख की, दुख की, खुशी की. कभी कभी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं. कभी कभी कुछ ऐसी खबर मिल जाती है जिससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं. वो तो सारे हमारे इमोशन से. ओके, वेरी नाइस. मीना जी, हमें हमें भाव अपने भावों को क्यों एक्सप्रेस करना पड़ता है? मतलब जो मन की भावनाएं हैं, हमें किसी के सामने क्यों जाहिर करनी पड़ती है? क्या आवश्यकता है इसकी? जब हम अपनी भावना किसी के सामने जाहिर करते हैं तो उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या स्थिति चल रही है. कई बार जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, अलग अलग एज की महिलाएं जब हमारे पास आती हैं वो कई बार हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, पर वो एक अलग ही दुनिया में खोई रहती हैं क्योंकि घर से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में, उनके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई होती है और एकदम. तो फिर उसको जब हम कई बार समझाते हैं, फिर उसको जब उसका ध्यान जाता नहीं तो हमको समझ में आता है कि नहीं, इसके साथ कोई ना कोई आज ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उसके चेहरे से कई बार पता लग जाता है. फिर उसको से समझने का हम प्रयास करते हैं क्या हुआ. फिर जब वो बताते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर आगे का उनको समझाते हैं. तो मतलब आप उनको साथ साथ बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ आप उनको ये वाली स्किल्स भी उनके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं कि अपने इमोशंस पे हमें किस तरीके से काबू करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच, सबने बहुत अच्छा बोला. आज का हमारा टॉपिक भी यही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप्स और एम्पथी. किस तरीके से एम्पथी, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पथी एंड सिंपथी. सिंपथी जब हम किसी को देते हैं तो इसका मतलब आता है कि हम किसी पे दया भावना कर रहे हैं, कुछ मतलब उसको सिंपथी दे रहे हैं, उस पे दया कर रहे हैं कि उसको कोई इस चीज की कमी है तो हम उस कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो एक जतलाना भी हो जाता है कि हमने उसको इस तरीके से उसको उसके साथ उसको कोप अप कर रहे हैं उसकी सिचुएशन में. लेकिन जहाँ एम्पथी आ जाता है, एम्पथी मींस कि आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और आप उसी में उस सिचुएशन को फिर अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि, और फिर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे पाते हैं कि
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम है और फराह जी को ये लग रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं साक्षी मैम की जगह पर खड़े होकर अपने आप को देखती हूँ कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती तो मैं इसको कैसे फेस करती, या इसको कैसे, मेरा नजरिया क्या होता है इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को देखकर। तो जो उस टाइम पे उनको सोल्यूशन समझ आता तो वो मुझे बताती कि मैम इस चीज को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हो गया एम्पथेटिक एटीट्यूड, हे क्योंकि उन्होंने, हाँ अदनान, जी, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और महसूस किया। आज के टाइम पे दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो हम आज की बाहरी दुनिया में देख रहे हैं कि किसी के अंदर ये सेंसिटाइजेशन और ये एम्पथेटिक एटीट्यूड नहीं है। लोग आजकल दूसरों की खुशी में भी दुखी होते हैं और दुख में तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसको मजा आ रहा है, और सबसे ज्यादा ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे ज्यादा हमारे अपनों को ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है उसमें मीना जी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो अभी ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरा ही कोई अपना होगा जिसको प्रॉब्लम होगी ये खुश क्यों है, या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा ही कोई अपना होगा जो ये कहेगा मजा आया ना इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दुख अपने ही पहुंचाते हैं। अब अपने पहुंचाते हैं तो अगर हम समझदार इंसान हैं तो हम अपनों को तो छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हम उस दुख में, अगर हमें पता लग रहा है कि कोई हमारा अपना, गायत्री गायत्री जी, मैम गायत्री जी आप अपना म्यूट कीजिए। गायत्री अरे डिंपल मैम, आपकी तरफ से भी हम म्यूट कर सकते आप, हैं। मैम मैं भी राहुल अभी करवाती हूँ मैम, प्लीज। हाँ जी, तो मैं अभी यही बात कर रही थी कि अगर जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस स्किल की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू अंडरस्टैंड हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे अभी मैंने अपनी एग्जांपल दी, मुझे पता लग रहा है मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई अपना, बेशक वो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या वो खुश हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसमें मुझे वो चीजें देखकर डिप्रेस नहीं होना, मुझे अपने आप में बहुत स्टेबिलिटी के साथ उस सिचुएशन में रखना है अपने आप को, बहुत सहज भाव से, सहज मन से मुझे ये करना है कि वो वाली बात आ जाती है ना कि हाँ जो भगवान जी करेंगे वो ठीक करेंगे, ट्रस्ट ऑन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं जितनी बातें कर रही हूँ वो हम सबके साथ होती है और हम सबने फेस की हुई है, सिर्फ हम साथ में इंटरेक्शन करने से ये समझ पा रहे हैं कि ये चीजें हम दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं, कि हम इन चीजों को ध्यान में रखें, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। तो अगर मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, अगर मुझे पता है मेरी नीयत साफ है, मेरे जो कर्म कर रही हूँ वो बहुत अच्छे साफ मन से कर रही हूँ, तो कोई मेरे बारे में जो भी सोचे मुझे डिप्रेस नहीं होना। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपनी प्रॉब्लम से दुखी नहीं होते, दुनिया हमारे लिए क्या कह रही है, हम उससे ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, मैंने ये काम में सक्सेस नहीं पाई, तो मेरे को पता है मैंने सक्सेस नहीं पाई, अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं तो मुझे ये लगेगा कि मैंने अगर सक्सेस नहीं पाई, अगर मुझे किसी वजह से आई कुड नॉट अचीव दैट सक्सेस इन माई लाइफ, इन दिस प्रोग्राम और इन एनी ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ माई लाइफ, तो हाउ टू गेट दैट सक्सेस, तो मैं उस पे काम करूंगी, ना कि मैं ये सोचूंगी हाँ यार दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, इसे पूरा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें ही सॉल्व करनी है, दुनिया तमाशा देखेगी, लेकिन हमें सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती है, हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है, हाय रब्बा, अब बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, देर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर्स, आप अपने बारे में सोचिए। ऐसा नहीं मैं कह रही कि सोसाइटी के अगेंस्ट रहिए, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर डूइंग राइट थिंग, अगर आप सही मायने में सही तरीके से अपने कर्म कर रहे हैं, सही मायने से सही तरीके से अपने सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, तो दुनिया कुछ भी कहे आपका कभी बुरा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर डीड्स, कि आप जो कर रहे हैं बिना किसी को हर्ट किए, बिना कुछ बुरा सोचे, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ये सोचना बहुत जरूरी है, और यही सोचना हमारा पॉजिटिव माइंडसेट कहलाता है, कि कोई कुछ भी सोचे मुझे अपना काम करना है, कहीं
कई बार क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ से, आप सब भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बहुत बार हमें कुछ एक दो लोग ऐसे जरूर मिलते हैं, ये आप लोग सब भी मानेंगे इस बात को, 100% हमारी तरह हमें कोई नहीं मिलता। अगर हम लोग 10 लोग भी हैं, 10 में से एक या दो लोग ऐसे होंगे हम जैसा कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन हम जैसा कर रहे हैं उनको उसमें प्रॉब्लम होगी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारी तरह मतलब मेरी तरह बच्चे, इनको क्यों सक्सेस मिल रहा है, इनको क्यों डायरेक्टर प्रेस कर रहे हैं, इनको क्यों मैनेजमेंट प्रेस कर रही है। अगर हम वो चीजें सोचने लगेंगे ना, तो जो हम कर रहे हैं ना वो भी नहीं हम कर पाएंगे। तो यानी उस सिचुएशन में आपको अपने आप को कैसे ढालना है, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, दैट इज दी स्किल ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। अभी हमने इमोशंस की बात की कि इमोशंस क्या हैं, आप में से सब लोगों ने बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी, इमोशंस हमारे भाव हैं, एंड वी ऑल नो दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग कौन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो कंसिडर एज इमोशनल बीइंग्स, क्यों, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आज मैं ये बोलूं, मैं आप लोगों को सब ऑनलाइन में देख रही हूँ, जब कभी आप मुझसे मिलोगे तो मेरे को जो खुशी होगी वो कोई भी नहीं बता सकता, और शायद आपकी तरफ से भी होगा कि हाँ हम लोग आपस में मिलेंगे एक दिन, तो बहुत खुश होगा कि हाँ भाई हम लोग हफ्ता एक बार सब लोग साथ में थे, ऑनलाइन कनेक्टेड थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जिंदगी के बारे में की। तो ये इमोशंस हम जाहिर करेंगे एक दूसरे के साथ जब हम लोग मिलेंगे, ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि भाव अपने, इमोशंस अपने प्रकट करना, दिखाना अपने विचार, अपने भाव दिखाना इसलिए जरूरी है टू मेक गुड कनेक्शंस, दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेस सेशन, रिलेशनशिप्स, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ही अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। हम लोग इमोशनल एनिमल्स हैं, हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, वी कांट लिव इन आइसोलेशन, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर माइन्यूट टू माइन्यूट थिंग्स, छोटी से छोटी डिपेंडेंसी भी हमारी एक दूसरे के ऊपर है। मुझे अगर घर में सब्जी बनानी है तो मुझे तेल चाहिए, तेल मुझे मार्केट से लाना है, मार्केट से तेल लेने जाऊंगी, तेल शॉप से मिलेगा, शॉप वाला भैया कहीं और से लाएगा, यानी कितना कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। यानी एक सब्जी बनाने के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन 4-5 लोग, सब्जी वाले भैया, तेल जैसे लाऊंगी, गैस वाले भैया, एवरीथिंग है ना, और जिनको खाना खिलाऊंगी, तो यानी इन सबके साथ मेरा कनेक्शन है। तो ये रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई स्टार्ट द सेशन विद प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, यस मैम। ओके। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, इमोशंस होते क्या हैं, तो उसमें हम बात करते हैं हमारे जो बेसिकली रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करने के लिए, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ रोल ऑफ ऑर्केस्ट्रा। जैसा होता है ना कि म्यूजिक, अगर हम कहते हैं कि वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है हमको, गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके पीछे रोल किसका होता है, म्यूजिशियन का, जो सॉन्ग लिखता है उसका, कंपोजर का, जो पूरा म्यूजिक देता है उसका। तो कहने का मतलब, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, अगर हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें इमोशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आपको और एग्जाम्पल मैं दूंगी, इमोशंस दो टाइप के होते हैं, आई थिंक सबको पता होगा, इमोशंस आर ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस। तो नेगेटिव इमोशंस क्या होती है, सैडनेस, ग्रीफ, हम बहुत उदास हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, ये नेगेटिव इमोशंस काउंट होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ब्लिसफुल, आज मूड बहुत अच्छा है, आज मन कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो कुछ मजेदार पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो हमारे इमोशंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो हमारे घर में क्या होता है, जब कभी गेस्ट आते हैं ना, तो हम सब ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। गेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, कई गेस्ट आते हैं ना जिनकी बात हमें मम्मी आज बता दे कि कल उन्होंने हमारे घर में आना है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते, कि हमारा मन, हमारे घर में चहल पहल हो जाएगी, बहुत रौनकें लग जाएंगी, मजा आएगा। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके आने से लगता है बस वो क्रिपिंग ही करेंगे घर में आके, क्यों आ रहे हैं मम्मी, वो घर पे, उनको प्लीज भगा दो घर से, हम कहते हैं ना ऐसा
होता है सबके साथ ऐसा है ना, कुछ रिलेटिव्स बहुत अच्छे लगते हैं, फरा जी बहुत स्माइल कर रही है, और कुछ रिलेटिव्स हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। बट ऐसा तो नहीं है हम दोनों किसी भी टाइप के रिलेटिव्स को निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू यू नो बिल्ड अप रिलेशनशिप्स। तो इसी तरीके से इमोशंस भी नेगेटिव और जो पॉजिटिव होते हैं वो दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। बस मतलब बशर्ते ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, कब हंसना है कब रोना है कब स्माइल करनी है। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि अगर किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वहां जाके हम स्माइल करें या हंसे, ओ ये हो गया कोई बात नहीं है तो जिंदगी का दस्तूर है चलता रहेगा, कितना बुरा लगेगा उनको। या शादी वाले घर में बोल दे वो आपकी बेटी जा रही है विदा हो रही है और हम भी रोना शुरू हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, वो कितना बुरा लगेगा। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। तो एक हमारे ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं एरिस्टोटल, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, एनीवन कैन गेट एंग्री, दैट इज वेरी इजी, गुस्सा जायज है आना और बहुत इजी है, गुस्सा सबको बहुत इजीली आ जाता है, सब लोग बहुत गुस्सा, 2 मिनट किसी ने घर में बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया तो मदर को बहुत गुस्सा आ जाता है, सीधा एक झापड़ मारती है, थप्पड़ लगाती है बच्चे के मुंह पे, है ना, ऐसा होता है ना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। पर एरिस्टोटल कहते हैं टू गेट एंग्री विद द राइट पर्सन एट अ राइट टाइम ऑन अ राइट इन अ राइट डायरेक्शन विद अ राइट यू नो राइट फ्लो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यानी गुस्सा, इसका मतलब है, इस कोटेशन का मतलब है कि गुस्सा सबको आना जायज है, दैट इज द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, ह्यूमन बेसिक नीड, मतलब पर्सनालिटी कि गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा कब आना, किसके साथ आना, किस समय पर आना, कैसे उसे एक्सप्रेस करना, ये बहुत मुश्किल है। और जिसने ये कला सीख ली, जिसने ये स्किल सीख ली, दैट बिकम्स ए इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ कि वी हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ अर्जुन की। अर्जुन भगवत गीता में आप सबने पढ़ा होगा, महाभारत में देखा होगा कि कुरुक्षेत्र की जब लड़ाई शुरू हो रही थी, जब वो युद्ध स्टार्ट हो रहा था, तो अर्जुन ने जैसे ही, पहले तो बहुत सब लोग मान गए हाँ हम युद्ध करेंगे क्योंकि कौरव लोग ऐसे कह रहे हैं, पांडव ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण उनके सारथी बने और उस रथ से जब वो युद्ध के लिए आए तो उन्हें उन्होंने भरे मैदान में देखा कि ये सब तो मेरे अपने हैं, भीष्म पितामह, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, आचार्य, हम मेरे सभी अपने हैं, मैं कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। और वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गया और भगवान कृष्ण के आगे उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे उन्हें गीता का ज्ञान दिया था मिड ऑफ दी कुरुक्षेत्र बैटल फील्ड में जाकर, यानी एक तरफ कौरव खड़े थे एक तरफ पांडव खड़े थे और बीच में जाके रथ खड़ा कर दिया था जब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। और उन्होंने ये बोला अर्जुन को कि हे पार्थ, जब तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे अपने हैं, तुम युद्ध करने क्यों आए, तुम अब देखो जो ज्ञान मैं तुम्हें दुनिया का ज्ञान देने जा रहा हूं। तो जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो उन्होंने यही दिखाया, कौरव पांडव जब सब दुनिया को छोड़ रहे हैं, अपना देह त्याग कर रहे हैं, तो वो सब भगवान कृष्ण के अंदर समा गए। तो उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ तेरा कुछ मेरा नहीं है, ये बस कर्मों का खेल है। तो आपको आपका मेन फोकस इज ऑन योर कर्मास। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि दिस टाइम योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू डू कर्मा, और इस टाइम पे तुम्हारा कर्म युद्ध लड़ना है, युद्ध भूमि में आकर युद्ध से भागना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, ये कर्म तुम्हें करना है, दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने इमोशनल टर्मोइल वाले अर्जुन को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया। तो इस दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जब भी आप किसी को समझाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कि आपको अपने काम करते हुए आपने कहाँ पर अपने इमोशंस को बर्स्ट आउट करना है, कहाँ पे इमोशंस को संभाल कर रखना है, कहाँ पे इमोशंस किसी के सामने दिखाने हैं, किस वे में दिखाने हैं, दैट इज द इमोशनली इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट पर्सन। और इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, क्या होता है, 4 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। द फर्स्ट वन इज यूजिंग इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हो, देन मैनेजिंग इमोशंस, किस तरीके से उसे मैनेज करते हो, किस तरीके से दूसरों के साथ कनेक्ट करते हो अपने इमोशंस को, और कैसे फिर एक्शन लेते हो। क्योंकि 4 A's, A's means A for apple, 4 A's बहुत जरूरी है व्हेन यू वांट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आपका सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इमोशंस की, कि आप आपके अंदर
आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपको रोना बहुत जल्दी आ जाता है। आपको पता है जब एक इंसान बहुत ज्यादा सबके सामने रोता है ना, तो बहुत ज्यादा क्या मतलब ना, 80 टू 85% दुनिया उसका फायदा उठाती है, बिकॉज दैट इज द वीक पॉइंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कि वो कहते हैं छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, इसका मतलब ये तो बहुत, हम कहते नहीं है कि जो बहुत छोटी छोटी बात, ये इमोशनली बहुत वीक है। तो यानी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कब अपने इमोशंस को कहाँ पे किसके सामने दिखाना है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आप अपनी कंपनी में रो के दिखाओ ना, सबसे ज्यादा मिसयूज होगा आपका। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे रोने लगोगे, उनको वीक पॉइंट पता लग जाएगा। रिलेशंस में इमोशंस दिखाओगे जिसमें आप रोना बहुत ज्यादा दिखाते हो, तो इसका मतलब कोई भी आके आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ए इज एक्सेप्टेंस, कि आपको जब अवेयरनेस हो गई तो आप एक्सेप्ट भी करेंगे कौन सा आपका वीक पॉइंट है और कौन सा आपका पॉजिटिव पॉइंट है, कहाँ पर आप स्ट्रॉन्गली इमोशंस के साथ खड़े होते हैं और कहाँ वीक हैं, तो आप उस पर वर्कआउट करते हैं। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, देन योर एटीट्यूड, आपका जो भी वीक पॉइंट है आप किस एटीट्यूड के साथ उसको लेके चलते हैं। पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं इमोशनली वीक होते हैं ना, बट व्हेन दे गेट दैट सिचुएशन ना, उस सिचुएशन में जब आते हैं ना, तो वो अपने आप को बहुत ऐसे दिखाते हैं दैट उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। बेशक घर जाके रो लेंगे, बट उस टाइम पे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इस सिचुएशन में हम रो पड़े ना तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो आपका एटीट्यूड है कि आप उस किस तरीके से उसको संभालते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्शन। सो एक्शन क्या, कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में। सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड एंड एक्शन, जिस इंसान ने ये चारों ए समझ लिए वो इमोशनली इंटेलिजेंट बन गया, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को समझ लिया। और व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, देन यू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद एनीवन हु इज एसोसिएटेड विद यू, बेशक वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, बेशक वो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि हर जगह पर आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं। और आपको पता है विदाउट रिलेशंस वी आर नथिंग। लोग कहते तो हैं, जैसे मैंने लास्ट की क्लास में भी बोला था, सेल्फ लव, इट इज वेरी इजी टू लव योर सेल्फ, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इन योर ओन सेल्फ। हमें इस दुनिया में हम अकेले नहीं रह सकते, वी रिक्वायर एवरी वन विद अस। मेडिटेशन जब आप करते हो, आप अकेले करते हो, मेडिटेशन आप अपने लिए करते हो, लेकिन वो मेडिटेशन तभी सक्सेसफुल है जब आप बाहरी दुनिया से स्टेबल रहते हो। तो बाहरी दुनिया से स्टेबल रहने के लिए आपके रिलेशंस बहुत पॉजिटिव होने जरूरी हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड स्लाइड व्हिच टॉक्स अबाउट अबाउट डाइव डीपर। अपने अंदर घुसो जितना घुस सकते हो, दैट इज द अवेयरनेस, जो मैंने अभी आपसे 4 A's की बात की। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर नहीं घुसोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप पॉजिटिव कनेक्शंस नहीं बना पाओगे। और पॉजिटिव कनेक्शंस नहीं बनेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल पुअर होगी। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपने रिलेशंस को पॉजिटिव बनाना। आई होप इतना सबको समझ आ रहा है। हेलो, एनी वन ऑफ यू प्लीज। यस मैम, ओके, सो दिस इज हाउ यू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली द कंपास दैट गाइड्स अस ऑन द पाथ ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ये सब बातें मैंने आपसे अभी बोली हैं। जैसे हमारा एक कंपास होता है ना, जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में, इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक दैट। जैसे हमारे पास कंपास वो भी होता है, जब हम कहीं पे ट्रैकिंग करते हैं तो हमने वो कंपास रखा होता है, कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सी साउथ डायरेक्शन है, किस तरफ हमें जाना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक दैट। क्योंकि इफ वी वॉन्ट टू बिल्ड अप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, इधर इन आर प्रोफेशनल लाइफ और इन आर पर्सनल लाइफ, वी हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। हम अगर नहीं रहेंगे ना इमोशनली इंटेलिजेंट, तो हमारे हर तरफ से रिलेशंस बिगड़ते हैं। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आर इमोशंस, इट एम्पथाइज विद अदर्स। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो और फराजी उसमें उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे, तो इट मीन्स फराजी के अंदर वो फीलिंग है, वो कनेक्शन है मेरे साथ, वो बॉन्डिंग रखना चाहते हैं, जिससे वो मुझे अपना समझ रही है। बहुत बार ऐसा होता है अपनों से बाहर वाले लोग आपके इतने अपने बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? व्हेन दे शो दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि हमारे बाहर के लोग हमारे अपने नहीं होते। बहुत, मैंने अभी एक आपको लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने बात की थी, अगर हम अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी को देखते हैं तो हम ज्यादा कनेक्टेड थे अपने आस पड़ोस के लोगों से, जो आज हम नहीं हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, आज हम बहुत ज्यादा
लग्जरियस चीजों के आगे पीछे घूम रहे हैं, जो कि हमें इमोशनल बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं बनाने दे रहा, इमोशनल कनेक्शंस नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि हम इमोशनल तो हैं लेकिन उन इमोशंस को ओवरकम कर देती है मेटेरियलिस्टिक चीजें। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है मेरे साथ वाले घर में 4 AC लगे हैं, मेरे घर क्यों नहीं है, मेरे आस पड़ोस में लोग इतना कार बार लेकर घूम रहे हैं, बेटे की शादी। आप ये सोचिए, एक नॉर्मल इंसान अगर अपने बच्चे की शादी करता है, ये एक एग्जाम्पल मैं डेली लाइफ से ले रही हूँ, तो खर्चा उसका भी होता है, लेकिन पीयर प्रेशर जो सोसाइटी से आता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि यार उसने कवात्रा के टेंट लगाए थे, उसने तो रात को एक एक शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो शादी तो उसकी भी 7 फेरों से हुई और शादी हमारे घर में भी 7 फेरों से होगी, तो मैं क्यों वो कंपैरिजन कर रही हूँ? क्योंकि ये भी सबसे बड़ा रिलेशंस को डिस्ट्रैक्ट करने वाला या इम्बैलेंस करने वाला पॉइंट है, व्हेन वी कंपेयर, उसके घर में ये है मेरे घर में क्यों नहीं। हम अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं किसी की वजह से। मैंने पहले सेशन में स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया था आज के सेशन में कि सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये वाला रोग हमारी जिंदगी से निकल जाए ना, हम सब लोग बहुत स्टेबल और बैलेंस्ड लाइफ को लीड करेंगे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे। हमने ऐसे कपड़े पहने हैं तो लोग कैसे जज करेंगे हमें? हमें कोई खाना तो नहीं दे रहा ना, अपने घर में खाना हम खुद खा रहे हैं। तो जब सबका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि दैट आई एम अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर माय फैमिली, व्हाई आई एम वरिंग अबाउट अदर्स कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे, जब मैं अपनी जिंदगी की कमान, अपने वो कहते ना रथ का जो या तीर का कमान किसी के हाथ में दे दूं ना, तो वो तो तीर अपने अकॉर्डिंग ही छोड़ेगा ना, लेकिन जब वो बाण का कमान मेरे हाथ में होगा तो वो किस तरीके से तीर छोड़ना है, दैट इज ऑन माय माइंडसेट ना। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथों में दिया है। वो बोलेंगे तो मैं हंसूंगी, वो बोलेंगे तो मैं रोऊंगी, वो बोलेंगे तो मैं उठूंगी, वो बोलेंगे तो मैं खाऊंगी। तभी आज की दुनिया में लोग ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, तभी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा, तभी लोग, आप ये देखिए ना कोविड टाइम पे क्यों सबसे ज्यादा लोगों को डिप्रेशन हुआ था, क्योंकि अपने घर, जबकि लोग अपने घर वालों के साथ रह रहे थे, अपने ही लोगों के साथ, अपने ब्लड रिलेशंस के साथ, अपने वो कहते हैं सोलमेट्स के साथ, लेकिन स्टिल उनकी जिंदगी में उन्हें लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग उनके साथ नहीं है। एक चीज तो ये जाहिर करता है दैट वी आर सोशली कनेक्टेड विद ईच अदर, बट द सेकेंड थिंग ये जाहिर करता है कि हम अपने लोगों के साथ इतनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, इतनी इतना कनेक्शन नहीं था जो हम बाहर के लोगों से, मतलब हम अपने घर में खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन ऑफ अस, कि हम यूट्यूब में देखकर जलेबी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या कुछ भी नया बना रहे हैं, वी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया टू हैव द यू नो लाइक्स ऑफ अदर्स। व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन द लाइक्स ऑफ अदर्स? क्यों हम डिपेंडेंट है उनकी लाइक पे? क्योंकि हमें ये लगता है कि वो लाइक करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। बहुत लोग, मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट कि जो सोशल मीडिया पे अपडेट्स बहुत ज्यादा करते हैं, बट आई एम डूइंग ओनली फॉर द सेक कि जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं दे शुड बी अवेयर कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, उसमें लाइक्स आए नहीं आए दैट डजंट मैटर, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। बट लोगों में ये चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको लाइक करें। व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन आर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स? व्हाई वी यू नो हैव दैट लाइफ व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ इमोशंस इन आर लाइफ। हमारी लाइफ में इमोशंस की क्या मायने रखते हैं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप ही सब में से किसी से पूछूंगी, इफ यू पीपल आंसर मी ऑन दिस, क्योंकि हमने बहुत इमोशंस की बात की, एनी वन ऑफ यू, सीमा मैम आप बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस इन आवर लाइफ, बिकॉज आज आई थिंक आपका आपने किसी और डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है, तो वो शक्ति सिंह के नाम से आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने टैब से ज्वाइन किया। ओके मैम, आज का ही टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस कि ये बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली हम लोगों को स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि कंपास की तरह है कि हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम जा कहाँ रहे हैं और जा कहीं चले हुए जाते हैं। ये बहुत बार सबकी लाइफ में हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूंगी। जी मेरे साथ क्या हुआ, मेरी डॉटर की शादी थी उस दिन,
और उसी दिन बिल्कुल बारात वॉज जस्ट कमिंग और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन दैट टाइम। और उसी समय न्यूज आती है कि हमारे घर का जो 18 साल से मेरे पास सर्वेंट काम कर रहा था उसका बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया और वो लड़का हो सकता है कि बचे भी नहीं। तो मैं इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो गई कि आई वॉज जस्ट अबाउट टू फेंट कि क्या हो जाएगा। और मुझे लगा वो है नहीं लड़का, और मेरे को बताया जा रहा है कि वो है और बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा चोट लग गई है। और मेरे को ऐसा लगा कि वो है नहीं, वो 18 साल से छोटा बच्चा था तब से मेरे पास काम करता था। मैं इतना डिस्टर्ब हो गई कि और वो मोमेंट ऐसा था कि बारात दरवाजे पे खड़ी है, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट माई फेस, अब क्या करना है, अब क्या होगा। तो उसी समय मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया कि नहीं, राइट टाइम अभी यही है काम करने का, सोचने का कि उस बच्चे का देख रहे हैं और दूसरे लोगों को भेज दिया गया है उसके पास, उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। मेरा काम इस समय है ये है कि जो हो रहा है मैं उसको देखूं। तो वो इमोशनली वहां पे मैंने अपने आप को स्टेबल किया, मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, तो सब चीजें ठीक से हो गई और वो लड़का भी बच गया, वो भी ठीक है, वापस काम पे भी आ गया। वो वेरी नाइस मैम, दिस इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना और बहुत ही स्ट्रांग रखना और चीजों को समझना। थैंक तो मैम यू थैंक सो मच। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने अपना पर्सनल एक एग्जांपल शेयर किया एंड दिस इज वेरी ट्रू कि कई बार हमें सिचुएशन पता ही नहीं होती कि हम खुशी के मौके पे हैं और एकदम कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि हम कहते हैं हम उसको संभालें या उसको संभालें। दैट इज द राइट टाइम व्हेन वी हैव टू टेक द राइट डिसीजन कि व्हाट इज द प्रायोरिटी एट दिस टाइम, मेरा इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि जो दुख वाली खबर आई है हम उसको भूल जाएं, बट द थिंग इज दैट हाउ वी मैनेज। जब हमें अवेयरनेस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, नाउ द एक्शन, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहा तो नाउ लास्ट वन इज द एक्शन, हाउ वी मैनेज दैट मतलब इमोशंस एट दैट टाइम। जैसे मैम ने बोला कि उनकी प्रायोरिटी उस टाइम पे डॉटर का वो बारात बिल्कुल आ गई थी घर के दरवाजे पे और ये न्यूज आई तो वो भी उन्होंने मैनेज किया। तो इट मींस कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, ये बहुत जरूरी है। एनीवन एल्स? मैम मैं शेयर करना चाह रही थी, हाँ जी मैम है ना बताइए मैम। मैम, आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सो देट आई गेट टू नो हु इज स्पीकिंग। ओ हाँ दिव्य जी मैम, हाँ जी मैम, मैम, 2021 में आई लॉस्ट माय हस्बैंड। तो जिस टाइम पर, उस टाइम कोरोना भी था और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, सब कुछ था। एंड आई एम भी अचानक, मैं और मेरी, आई हैव अ सिंगल डॉटर, तो हम लोग बहुत डाउन हो गए लाइफ में। और उस टाइम पर एवरीबडी, जैसे अभी आपने पहले शेयर कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे, अपने ही लोग बोलते जा रहे थे ऐसे नहीं वैसे नहीं। दैट टाइम मेरी डॉटर ने मेरे को एक रूम में अंदर बिठाकर इमोशनली बोला, मम्मा पूरी जिंदगी है हमारे पास हंसने और रोने के लिए, बट इस टाइम आपको वो करना है जो पापा के लिए ठीक था और जो आप चाहते हो। तो मैम एज ए पंजाबी फैमिली वो लोग बोल रहे ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। देन मैंने वॉशरूम में जाकर खूब रोकर बाहर आकर अच्छी तरह से बात करके मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये करना है और मेरी डॉटर ही करेगी सारा कुछ। मेरी डॉटर ने किया और मैम हमने 15 डेज में, रोने की बात तो ठीक है पर मैम हम बड़े स्ट्रांगली रहे। और उसके बाद में मैम आज 3 इयर्स हो गए हैं, हम बहुत रोते भी हैं हंसते भी हैं। मेरी डॉटर की शादी भी हो गई, उसके ट्विंस बच्चे भी हो गए। बट मैम इमोशनली आपकी बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि आप उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। मैम ये बहुत डिपेंड करता है। अभी भी मैम मैं कभी कभी इमोशनली डाउन हो जाती हूँ, बट उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद एकदम से फील करती हूँ कि हमारे साथ में मैम मेरे कुलीग्स हैं, आरती हैं और बहुत लोग हैं। मैम वो लोग स्ट्रांगली कहते हैं नहीं मैम कुछ नहीं है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, सब कुछ है मैम, इमोशंस बहुत कुछ मैटर्स करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एंड गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर एवरीथिंग इन लाइफ मैम। यू आर सच यू नो स्ट्रांग एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस। गॉड ब्लेस यू यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मैम, ये चीज जो आपने बोली है मैं भी जैसे आप लोग सब शेयर कर रहे हैं मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगी, वो मेरी पर्सनल लाइफ से भी है। एंड इट इज वेरी यू नो मेरे लिए बहुत कम लोग हैं यहाँ पर भी जो मेरे वर्क प्लेस में जो जानते होंगे। आई लॉस्ट माई मॉम एट द एज ऑफ 10, जब मैं 10 साल की थी। तो माई मॉम हैड कैंसर तो उनको ये था, तो आई एम दी यू नो एल्डर डॉटर ऑफ माई मॉम। तो मेरे छोटे दो भाई बहन थे और भाई तो बिल्कुल ही 4 साल का था, और जबकि मैं 10 साल की हूँ तो वो 4 साल का था। और मेरी सिस्टर टिम्पल मैम प्लीज डोंट क्राई, मुझे ऐसा लगेगा मैंने आपको रुला नहीं दिया। मैम, मैं अपनी बात कह के इमोशनली हाँ हो गई जी, थी। तो
उस टाइम पे मतलब 10 साल के बच्चे को अगर हम आज के जनरेशन के साथ में अपने आप को कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूं कि हम लोग तो बहुत इनोसेंट थे, पता ही नहीं था कि डेथ क्या होती है, लाइफ क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मेरी मॉम को जैसे दुल्हन बनाया जा रहा था, तो पापा साथ थे उनके, तो मतलब आज भी वो याद करूं तो बहुत रोंगटे खड़े होते हैं कि मुझे लगा मेरी मॉम को सजाया जा रहा है और शायद कोई एक वीडियो शूट हो रहा है और वापस आ जाएंगी वो। हाँ, तो हम लोग इस खेल खेल में के भी अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके, वो लैंडलाइन फोन्स होते थे घर में, कॉल करके बोल रही मेरी मॉम को दुल्हन बनाया जा रहा है वो वापस। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक मन में डर था कि कुछ ऐसी गड़बड़ है जो पापा इतने रो रहे हैं, मैंने अपने फादर को कभी इतना रोता नहीं देखा। तो मतलब जैसे मेरी मॉम ने, मैंने वो सब चीजें देखी कि उन्होंने कैसे अपने प्राण छोड़े, शरीर से आंखों से प्राण गए, और प्राण जाने से 10 मिनट पहले उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर को बोला रूम से बाहर चले जाओ, मतलब मेरे डैड को बोला इन दोनों को बाहर कर दो, सिर्फ मेरा जो ब्रदर उनके पास रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा, जब बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ होता है, डेथ नाम की कोई चीज है, भगवान जी के पास कोई चला जाता है, मेरी नानी ने समझाया वापस नहीं आते, अब मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी, तो मेरा सिर्फ एक गिला अपनी मॉम से था, जो मैं आज भी कहीं ना कहीं रात को सपने में उनसे बात करती हूँ कि आपने हमें क्यों उस टाइम पे हमसे बात नहीं की, क्यों हमें अपने से जुदा कर दिया इतनी जल्दी। तो मेरी नानी ने उस टाइम पे ये कहा था कि कहीं ना कहीं शी इज कनेक्टेड विद यू पीपल, कि मेरी डॉटर्स हैं, तो मैं अगर उनके, तो मेरे प्राण मुश्किल से जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरी मॉम सुबह 4 बजे उठ के गीता का पाठ खुद करती थी, और मैं जब भी उनसे सुनती थी तो ये कहती थी कि मैं जिंदगी में कभी, जैसे शायद मैंने आपके रीड इंडिया के वहां पर भी बात की थी कि मेरी शादी होना हो लेकिन मैं PhD भगवद गीता में जरूर करूंगी। तो वो मेरा बचपन से कनेक्ट था। तो मैंने उस टाइम पे, मे बी दी ब्लेसिंग, मे बी क्या, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई मॉम कि 10 साल में मैंने अपने घर को ऐसे संभाला जैसे एक 25 साल की लड़की संभालती है। तो मेरे अंदर वो मेच्योरिटी आ गई कि मैं अपने डैड को भी ऐसे संभालती थी जैसे कोई एक बच्चे को संभाल रहा है, अपने भाई बहन को भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन सिचुएशंस कम टू यू ना, तो आप इमोशंस को बैलेंस करना समझ लेते हो। कई बार हम नहीं कहते, हम अब जैसे आई हैव अ सिंगल चाइल्ड, मेरा बेटा है तो वो अभी तक, मतलब ही इज इन क्लास 12, तो अभी तक ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी कि स्कूल से आएगा, इंस्टीट्यूट से आएगा तो जहां बैग रखा है वहां ही रखा है, उठाएगा नहीं, तो मेरे से हर बार डांट खाता है कि इतना बड़ा हो गया बैग तो, मॉम आप हो ना, मैंने कहा मॉम है, जब मॉम नहीं रहेगी तो ये चीजें कौन सिखाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने ऊपर आती है ना चीजें तो इमोशंस को बैलेंस करना आ जाता है, पर वो बात तभी आती है, उसमें भी ये कहा जाता है कि जब ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की हो तो आपको आ जाता। कई बच्चे ऐसी सिचुएशन में बिगड़ जाते हैं बिकॉज जब वो माँ बाप का साया नहीं रहता उनके सर पे तो वो गलत ट्रैक को चूज कर लेते हैं। एंड इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, योर संस्कार जो आपको मिलते हैं वो आपको, तो तभी हम कहते हैं कि वॉट एवर यू फेस इन योर लाइफ, ऑलवेज शेयर विद योर लव्ड वंस, ऑलवेज शेयर विद योर लर्नर्स, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जब आप शेयर करते हो ना अपनी पर्सनल लाइफ, दिस इज बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब जो मैं कहती हूँ, अगर मैं अपनी लर्नर्स के साथ ये बात डिस्कस करूँ, नॉट इन दिस वे कि आई लॉस्ट माई मॉम, बट ऐसे इन जर्नल, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को भी लगता है मतलब किसी भी हार्श रियालिटी में को हम फेस करने लगेंगे तो हाउ वी हैंडल दैट सिचुएशन, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज समहाउ इफ वी आर इमोशनली अनस्टेबल ना, तो हमारी जिंदगी में रिलेशंस छोड़कर सब कुछ बिगड़ जाता है, नॉट ओनली रिलेशंस, हम ही लॉस्ट हो जाते हैं। हमने बहुत ऐसे, मतलब हम कितनी बार ऐसे रोड्स में लोग देखते हैं, तो हमारे ब्लॉक में एक दो लोग ऐसे हैं जो लोग अपने टाइम पे बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज थे और बहुत फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की जॉब के रैंक पे थे, तो उनको आज मैं देखती हूँ कई मेंटली डिस्टर्ब हैं, कई डिप्रेशन में हैं। तो सुनने में ये आता है कि उनको उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, बेशक वो मिडिल एज में भी आ गए थे, वो संभाल नहीं पाए। तो कहने का ये मतलब है, ये बहुत जरूरी है दीज टाइप्स ऑफ लेसन टू बी इनकल्केटेड इन आर डे टू डे लाइफ, कि वाई इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, वाई वी हैव टू मेक बैलेंस इन आर इमोशंस, वाई वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस। सो यही ना कहीं हमारे रिलेशंस को स्ट्रांग बनाते हैं, और रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने से पहले हमारे अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं हाउ टू लिव अ लाइफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, और कोई अगर शेयर करना चाहता तो प्लीज।
नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एनीवन? सो ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो अभी जो हमने इमोशंस की बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन लाइफ, इमोशंस आर द कलर्स दैट पेंट द कैनवास ऑफ आवर लाइफ। विदाउट इमोशंस आवर लाइफ इज यूजलेस। हमारी लाइफ वैसे भी रंगीन नहीं रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो हमेशा अपोजिट नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइस इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। हम वो ईसीजी मशीन देखते हैं ना, जिसमें अप्स एंड डाउन वाली रेज आती हैं, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो लाइफ इज नो मोर। लेकिन जब वो अप्स एंड डाउन आता है तो डॉक्टर्स भी रिलैक्स होते हैं, पेशेंट भी रिलैक्स होता है, आसपास के लोग भी रिलैक्स होते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारा बंदा जिंदगी जी रहा है। तो इमोशंस आर जस्ट लाइक दैट। हमारे इमोशंस कभी अपवर्ड पोजिशन में चले जाते हैं, कभी डाउनवर्ड हो जाते हैं, बट दे आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ, और दे आर वेरी असेंशियल फॉर लीडिंग अ एग्जिस्टिंग लाइफ। जिसे हम एग्जिस्टिंग लाइफ कहते हैं ना, रौनक है जिंदगी में, रौनक इमोशन से ही है। क्योंकि जब रोना ही नहीं आएगा, आंसू ही सूख जाएंगे, तो हम जिंदा लाश बन जाते हैं। हंसना ही नहीं आएगा, एक्सप्रेस करना ही नहीं आएगा अपनी फीलिंग्स का, तो हमारे सोशल स्किल्स नहीं डेवलप होते। सो इमोशंस कनेक्ट अस टू द रिचनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट अलाउज अस टू सेवर मोमेंट्स ऑफ जॉय, वेदर स्टॉर्म्स ऑफ सैडनेस, एंड फाइंड सोलेस इन द टाइम ऑफ स्पेस। सो दीज आर बेसिकली इमोशंस। जब रोना, जब दुख आता है, दुख के पहाड़ आते हैं, तो हम थोड़ा सा मायूस होते हैं, तो वो उसमें भी एक अपना मजा है, क्योंकि हम उसमें हंस देंगे तो हमें लोग पागल कहेंगे। जब खुशी आती है तो सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, दुख आता है तो भी सबके साथ इकट्ठे बैठ के झेलते हैं, तो वो चीजें ऐसे लगती है कि आई और चली गई, तो मजा आता है जिंदगी में जीने का। और अगर ये स्पाइस हमारी लाइफ में नहीं होगा ना, इमोशंस का, अप्स एंड डाउन्स वाला खासकर, तो हमें लाइफ जीने का बेसिकली, जैसे कहते हैं ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर सवेरा आता है, उजाला आता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस के हम ये कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे ना, तो वी डोंट वैल्यू द इमोशंस, वी डोंट वैल्यू द इमोशंस। किस लेवल पे? अगर हमारे पास नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो हमें पॉजिटिव की वैल्यू नहीं होगी, अगर नहीं आते तो, आते हैं तो वी वैल्यू दी पॉजिटिव इमोशंस। ऐसे ही पॉजिटिव इमोशंस 24 घंटे रहेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा दुख क्या है, और एकदम जब दुख आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। होता है बहुत बार ऐसे, अगर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो ना, एकदम दुख आ जाए ना, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, उस जिंदगी को कैसे जिए। तो इसलिए कहा जाता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स लाइफ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बैलेंस बना के रखती है, वो हमारी लाइफ को एक ट्रैक पे लेके जाती है। आर यू ऑल अग्रिंग विद दिस पॉइंट कि इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स हो? हमें लाइफ लेसन सिखाते हैं, हमें ये सिखाते हैं हाउ टू बैलेंस दी लाइफ। सो नाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनल एंड इन प्रोफेशनल लाइफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज बेसिकली द कॉर्नर स्टोन ऑफ आर सक्सेस, क्योंकि ये हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को इम्पैक्ट करता है। पर्सनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने बात का, जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल्स दी हैं सीमा मैम ने, डिम्पल मैम ने, कि भाई ये कहते हैं अगर उस टाइम पे वो इमोशनली बैलेंस नहीं होते तो आसपास जो भी उनके रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते, कहीं ना कहीं वो खराब हो जाते, इम्बैलेंस हो जाते। लेकिन उन्होंने इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया तो सारे रिलेशन जो है मेंटेन रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एम्पथेटिक एटीट्यूड जो रिलेशंस में बिल्डअप होता है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट एनेबल्स इफेक्टिव कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, नर्चरिंग हेल्दियर रिलेशनशिप्स एंड अ मोर ओवर फुलफिलिंग लाइफ। क्योंकि आपके रिलेशंस खाली नॉर्मल नहीं होने चाहिए, आपके रिलेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द बेडरॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गाइडिंग डिसीजंस विद क्लैरिटी एंड कंपैशन। कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की स्टोन टू एनहांस टीम वर्क, कम्युनिकेशन, रेजिलियंस, करियर ग्रोथ। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस, वही वाली बात आ गई, इट इज अ कंपास दैट स्टीयर्स अस टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड हार्मोनियस लाइफ वेयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस कन्वर्ज। प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें ना, इफ वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंस, समहाउ हमारे अपने रिलेशंस प्रोफेशनली बिगड़ जाते हैं। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था कि हम सब एक प्रोफेशन में हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारी क्रिपिंग करते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमें ये कहते हैं कि यही क्यों काम कर रहे हैं,
हमारा काम भी बिगाड़ रहा है ये, क्यों नंबर, कई लोग ये कहते हैं कि जो बहुत काम करते हैं वो नंबर गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार काम करने वाले जो एक्चुअल में हार्डवर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं ना, हार्डवर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दे डू नॉट बॉदर एनीबडी, जो एक्चुअल में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर जगह ऐसा एटमोसफेयर रहता है जहाँ पे लोग क्रिपिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि क्रिपिंग वही लोग करते हैं जो काम नहीं करते। तो अगर हम इन लोगों की सुनते रहेंगे ना, तो हम इमोशनली वीक होते रहेंगे, और जहां हमारे इमोशंस डाउन हुए वहां हमारा जॉब प्रोफाइल भी डाउन हो जाता है, वहां हमारा जो हमारी कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन वो भी डाउन हो जाती है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर अकाउंटेबिलिटी हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन आवर इमोशंस इवन एट दी प्रोफेशनल स्टेज। प्रोफेशनल फोरम में भी हमने अपने आप को कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है। सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी एंड इट्स रोल इन फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। सो एम्पैथी इज द हार्ट्स लैंग्वेज। हम बहुत बार कहते हैं ना कि बहुत बार सुना होगा, बेसिकली एम्पैथी इज कनेक्शन। जैसे जो मैं स्टार्टिंग में फरा मैम और अपनी एग्जाम्पल दी थी, अगर मुझे लगता है कि फरा मैम ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और वो मुझे सोल्यूशन बता रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है ना कि मैं उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई, एक बॉन्डिंग होना शुरू हो गई, नहीं शी अंडरस्टैंड्स मी। तो जहां जहां वो बॉन्डिंग होती है वहां फीलिंग्स डेवलप हो जाती और यही फीलिंग्स हमारे रिलेशंस को बनाती। सो सी द कनेक्शन, एम्पैथी कनेक्ट्स यू विद द पर्सन, हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद दैट पर्सन, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका अंडरस्टैंडिंग में भी जाता है, फीलिंग्स भी आपको एक दूसरे के प्रति आती है कि आप के रिलेशंस अच्छे, और यही फीलिंग्स आपके रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। तो एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो है ना आपका, दैट इज बेसिकली अ ब्रिज विच कनेक्ट्स यू विद द एक्सपीरियंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। इट इज द एबिलिटी टू स्टेप इनटू समवन्स एल्स शू टू फील व्हाट दे फील। मेरे सामने कोई रो रहा है और मैं हंस रही हूँ, इट मीन्स दैट आई एम नॉट सेंसिटाइज पर्सन, आई डोंट हैव एम्पैथेटिक एटीट्यूड। वो रो रहा है, मेरा भी, मैं बेशक रो मत पर मेरे को, मेरा भी मन उदास हो जाए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो उसकी उसके रोने का जो है ना वो मैं महसूस कर पा रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम ह्यूमन। NEP 2020 भी ये बात करता है दैट टीचर शुड बी, अगर हम टीचर्स की बात करें ना, टीचर्स में भी एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर्स शुड बी ह्यूमेन फर्स्ट, एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ह्यूमेन, कि हमारे अंदर ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, वी आर नॉट मशीन्स। आज के टाइम पे वी ऑल आर डीलिंग विद मशीन्स, वी ऑल आर डीलिंग विद दिस गैजेट्स, तो वो हमारे बच्चे क्यों इतने प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद मशीन्स, 24 घंटे दे आर वर्किंग ऑन मशीन्स, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ह्यूमंस। अपने 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 बारे में अच्छा सुनने के लिए भी वी आर डिपेंडेंट ऑन फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम, अपनी रील्स बनाने पे लाइक्स और प्यार और लोगों के अच्छे कमेंट्स पाने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो हाउ वी यू नो नाउ हाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड दैट प्रैक्टिकेबिलिटी, वो तभी हो पाएगा जब हम अपने बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स को डेवलप कर पाएंगे। बच्चे छोड़ो, बड़े भी देखो, आज की डेट में आप हर घर में जाइए, हर एक के हाथ में मोबाइल है, ओल्ड एज पीपल, मिडल एज, यंगस्टर्स, बच्चे, सबके हाथ में। और जब खाना खाने के लिए आवाज मारती है मॉम की, आज वो लंच डिनर टेबल लग चुका है, तो एवरीवन इज ऑन फोन। व्हाई डोंट यू यू नो कीप टेल देम टू कीप योर देयर फोन्स असाइड, कुछ एटलीस्ट 24 घंटे में से वो 1 घंटा तो आपस में आई कांटेक्ट रख के बात करो। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इमोशंस क्यों बिल्डअप होते थे, क्योंकि क्यों हमारे अपनों से भी ज्यादा हमें नेबर्स प्यारे होते थे, क्योंकि हम लोग सब साथ में सेलिब्रेशंस करते थे, छोटे छोटे मोमेंट्स जो लाइफ के हैं, जो भगवान भी कहते हैं प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इज एवरीथिंग, नो पास्ट नो फ्यूचर, प्रेजेंट इज एवरीथिंग, लिव इन प्रेजेंट। तो वो प्रेजेंट हम जीते थे सबके साथ, आज हम जिंदगी झेल रहे हैं, जी नहीं रहे, वी आर नॉट लिविंग द लाइफ, वी आर जस्ट पासिंग द लाइफ, कि ये टाइम कट गया चलो ठीक है नाउ नेक्स्ट। आज की डेट में किसी से बात करो ना, अच्छा फोन करके भी किसी से पूछो आपने खाना खा लिया, वो क्या कहते हैं, हाँ मैंने खाना खिला दिया, ये काम खत्म हो। खाना खिलाना खाना बनाना भी काम में काउंट हो रहा है, जो पहले वो प्यार होता था घर वालों के लिए। हमारे टाइम में हमारी नानी दादी वो निटिंग कर कर हमें स्वेटर्स और वुलन्स हमारे बनाते थे, आज की डेट में बच्चे पहनते हैं हमारे हाथ के, वो कनेक्शंस ही नहीं है।
वो कनेक्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ही शो नहीं किया वो सब चीजें। हम न्यूक्लियर फैमिली में ऐसे आए कि हमने वो जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज को भूल आए। फिर हम बात करते हैं इमोशंस की, फिर हम बात करते हैं एम्पथी की कि बच्चों में एम्पथेटिक एटीट्यूड क्यों नहीं है, कहाँ से आएगा। बोथ दी पेरेंट्स आर वर्किंग, जब रात को घर आते एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकालते, बच्चा वही देखता है, बच्चा वेट कर रहा होता है कि मैं अपने पापा से कब बात करूंगा, पापा कब टाइम देंगे, मॉम कब टाइम देंगी। और जब देखते हैं दोनों ही लड़ रहे होते हैं तो ये बोला जाता है कि भाई कहते हैं चलो छोड़ो इन दोनों की तो लड़ाई हो रही है, अब हम सो ही जाते हैं तो बेटर है। फिर वो बाहर जाके लोगों पे लोगों में अपना दोस्त अपना ऐसा वेलविशर ढूंढता है जो उसकी बात सुने। और एक टाइम पे हम ये कहते हैं हमारा बच्चा तो हमारा नहीं रहा, हमने रहने ही नहीं दिया उसको, हमने वो एम्पथी दिखाई ही नहीं उसको। क्यों बच्चे आज की डेट में इतने डिप्रेस्ड हैं? छोटे छोटे बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है क्योंकि वो टाइम नहीं मिल पा रहा पेरेंट्स से, वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा पेरेंट्स से। बहुत जरूरी है। हम आके फिर पता क्या करते हैं, जब बच्चा नहीं मार्क्स लेकर आता, दिस इज दी यू नो कहानी घर घर की बेसिकली, तो हम कहते हैं उस फलाने के बच्चे ने तो इतना अच्छा किया, तुम पे हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन भी लगा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट इज दी मेंटल हेल्थ ऑफ दैट बच्चा जिसकी आप बात कर रहे हैं? कभी उसके पास बैठ के पूछा है तुम्हें चाहिए क्या? हमने कभी नहीं पूछा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। और लास्ट में हम क्या कहते हैं, किसके लिए कमा रहे हैं हम? तुम्हारे लिए। जिसके लिए कमा रहे हैं उसको टाइम दिया हमने, उसके साथ कनेक्ट हुए, उसकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हुए। फिर जब वो बच्चा बाहर अपनी फीलिंग्स को ढूंढता है कि इसके साथ मैं शेयर करूं, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। सो दीज आर बेसिकली स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाई आज के बच्चे आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, व्हाई डिड दे डोंट वांट टू शो फीलिंग्स, व्हाई दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद अस। दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट शो एनीथिंग टू देम, दैट इज व्हाई। दिस इज द बेसिक रीजन कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद देम, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। सो इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, वी आर नॉट गिविंग टाइम टू देम, तो यही होगा ना, जो बोएंगे वही पाएंगे। हिस्ट्री रिपीट्स। आज हम टाइम नहीं दे पा रहे, कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे उनका टाइम आएगा तो हम मांगेंगे तो वो कहेंगे सॉरी मॉम आई डोंट हैव टाइम, मैं भी तो घर के लिए कमाने निकला हूँ बाहर। तो वो डायलॉग्स जब हमें मिलेंगे ना तो बहुत बुरे लगेंगे। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू गिव देम यू नो वट एवर दे वॉन्ट। आर चिल्ड्रन आर फैमिली मेंबर्स ओनली वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम अस, दैट इज द टाइम, एंड वही हमारे पास नहीं है। तो जब हम टाइम नहीं दे पाते, जब हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, जब अपने और उनके इमोशंस को आपस में यू नो एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो कैसे एम्पैथेटिक एटीट्यूड आएगा, कैसे रिलेशनशिप्स बिल्डअप होंगे? सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोथ विद इन द वर्क प्लेस एंड इन वंस पर्सनल लाइफ इज द एबिलिटी टू मेंटेन एंड डिस्प्ले कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। बहुत जरूरी है इफ वी वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप्स। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि अभी अभी शादी हुई थी, इनकी शादी टूट गई, डिवोर्स ले लिया एक ही महीने के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स नहीं लिया था? क्यों उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स नहीं लिया था? क्योंकि वो एक दूसरे को समझते थे, वो ये समझते थे घर नाम की कोई चीज है, रिलेशन नाम की कोई चीज है, बॉन्डिंग कोई चीज होती है, इमोशनली कनेक्शन कुछ चीज है। आज नहीं ये बच्चों को पता। आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल है, यूज एंड थ्रो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ वो जी रहे हैं। जैसे चाइनीज आइटम्स आती है ना, यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप्स को भी वो ऐसे मानते हैं। व्हाई दिस इज सो? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आर संस्कार्स। हम उनको नहीं दे पा रहे, वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे। बहुत सी चीजें उनको गूगल पे मिल जाएंगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए। सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी, हाउ टू लिव लाइफ, और वो सिवाय आप पेरेंट्स और टीचर्स के, बच्चों के अंदर वो स्किल्स कोई इनकलकेट नहीं कर पाता। सो इन द एंड वी ऑल वॉन्ट हैप्पी लाइफ। सो हैप्पी लाइफ की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैप्पी लाइफ? यहाँ पर सामने किसी ने ये बहुत अच्छा लिखा था, आई हैव कोटेड हिज और हर नेम इन माय चैप्टर, दैट इन अ हैप्पी लाइफ रिलेशनशिप्स आर आर कैनवासेस, एम्पथी द ब्रश एंड इमोशनल इंटेलिजेंस द कलर्स। विद एम्पथी वी डाइव डीप इनटू अदर्स वर्ल्ड।
कनेक्टिंग हार्ट टू हार्ट. इमोशनल इंटेलिजेंस इज आर कंपास गाइडिंग अस थ्रू लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. सो टुगेदर दे क्रिएट अ मास्टरपीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट एंड जॉय एंड ऑल दिस इज कनेक्टेड विद द हैप्पी लाइफ. सो इस पे अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज अभी तक एनी वन ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम फरा मैम, सीमा मैम, मीना मैम एंड डिम्पल मैम, इसके अलावा आज हम किसी और से बात करेंगे क्योंकि ये लोग तो सब बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं. आप खुद बोलेंगे या आई एम अकबर, अकबर जी आप कुछ बोलेंगे? जी, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून एक्चुअली सर, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज अपनी. आई एम ट्राइंग इट, आई एम ट्राइंग. देयर इज सम प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, आप बता दीजिए ऐसे. हैप्पी लाइफ, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम सारे मतलब इमोशंस को कंट्रोल वे में लेके चलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो हैप्पी लाइफ हम बहुत इजीली मतलब कन्वे कर सकते हैं अपनी लाइफ में. और उसके लिए जो आपने लास्ट हमें जो बताया था, एक असेसमेंट शीट आई थी कि पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ और हम लाइफ को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से चलते हैं, तो जब हमें यही पता नहीं है कि हमारा लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो हम एक हैप्पी लाइफ की तरफ नहीं चल सकते. और अगर पर्पसफुल हमारी लाइफ है और उसके साथ हम इमोशंस को कनेक्ट करते हैं इन अ राइट वे, कि फॉर एग्जांपल हमें किससे किस तरीके से मिलना है, अपना जो आपका प्रोफेशनल इमोशंस हैं उसमें किस तरीके से हमें रखना है, पर्सनली हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं तो एम्पैथी के साथ बात करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंपैथी दिखाते रहते हैं और कभी कभी सिंपैथी में क्या होता है कि सामने वाला बहुत जल्दी निराश हो जाता है, उसको बुरा लगता है कि मैं कोई तुमसे भीख मांगने को आया हूँ. तो वो मतलब इन इन सारी चीज़ों को अगर हम लेके चलें साथ में, तो एक हम अपने मतलब अपने आप में सेल्फ बिल्ड करेंगे, वो सेल्फ बिल्ड जो है हमें अल्टीमेटली खुशी खुशहाली देगा हमें. तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ. थैंक यू. वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच. स्वाति जी आप कुछ बोलेंगे? हेलो. यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम, आज का जो टॉपिक था ना वो मतलब हार्ट टचिंग था. इमोशंस हम काफी मायने रखते हैं हमारे जिंदगी में, क्योंकि जो भी कुछ चल रहा है या फिर जो भी कुछ जुड़ा है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है. अगर इमोशन नहीं होते तो हर कोई अपने अपने रास्ते चलता और हर कोई अपना अपना ही देखता. तो जो भी कुछ चल रहा है या फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है वो इमोशन की वजह से ही होता है. इमोशन के साथ ही हम लोग जुड़ पाते हैं, या वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो. लेकिन आपने जैसे कि बताया, काफी टाइम हमें इमोशन बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है. तो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन मैम, और काफी अच्छा लगा आपको सुनना. थैंक यू सो मच मैम. काफी सारे इमोशंस उभर के आए आज, मतलब जैसे कि डिम्पल मैम बता रहे थे या फिर सीमा मैम बता रहे थे, तो हम भी अपने पिछले लाइफ में झांककर देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ. तो अभी सोच के पता चलता है कि तब हमने उस सिचुएशन में क्या किया था, कैसे हैंडल किया था, हम स्ट्रांग बने थे या वीक बने थे, हमें ऐसे करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था. कभी कभी घटनाएं होने के बाद हमें लगता है कि उस टाइम पे हमने ये रिएक्ट करना चाहिए था, हमें ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. बट उस टाइम पे हम इतना इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर पा रहे या क्या क्या हमें करना चाहिए था. तो इमोशन बैलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर रूटीन लाइफ, या हम बोलते हैं कि सॉफ्ट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू स्वाति जी. रिया बंसल, सॉरी मैं आप लोगों के नाम ऐसे खुद से ले रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद इनिशिएट नहीं कर रहे. रिया बंसल जी प्लीज आप कुछ बोलेंगी इफ यू आर देयर. तो ठीक है, अभी हम लास्ट एक और लेंगे. साधना जी साधना जी साधना आप
मैम के साथ शेयर करो। जरूरी नहीं है आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, जस्ट ये कि आप इमोशन से क्या समझती हैं और आपको क्या मतलब लगता है कि क्या हैप्पी लाइफ के लिए इमोशनल बैलेंस होना या हैप्पी रिलेशनशिप्स के लिए इमोशनल बैलेंस होना इज रिक्वायर्ड। एनी वन ऑफ यू, अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी एक शेयर कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ही बोल देती हूँ मैम। हाँ जी बताइए। हाँ, इमोशन पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्दी इमोशन होती हूँ, क्योंकि जितना मैं ऊपर से खुश रहती हूँ उतना अंदर से मुझे बहुत जल्दी रोना आता है। कभी कभी घर पर मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती हूँ, मुझे मॉर्निंग में स्कूल आना होता है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर सेंटर आके लड़कियों के साथ करना होता है, तो अपना मूड बहुत ज्यादा फ्रेश रखना होता है। तो कभी कभी मूड इतना ही खराब होता है कि मैं जब घर से ही निकलती हूँ तो आंखों में आंसू लेके निकलती हूँ, बट मुझे सेंटर आने तक अपने इमोशन को कंट्रोल करके हैप्पी लुक में आना होता है। मैं पूरे रास्ते रोते हुए आऊंगी, फिर मैं अंदर ही अंदर खुद से बात करती हूँ कि नहीं फरा, अब चुप होना है, स्कूल जाना है, बच्चे देख के क्या कहेंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स से जाके कहेंगे कि आज हमारी मैम बहुत सेट थी। और थोड़ा सा जो मेरा गुस्सा है वो सामने वाले पे भी उतर जाता है कभी कभी, जब मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। तो वही है कि वो इमोशन मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने पड़ते हैं और फिर उसे हैप्पी लुक में लाना होता है, वो मैं खुद से लाती हूँ। तो वही शेयर करना था मुझे आपसे। तो ठीक है, आप ऐसा करती है तो बहुत अच्छा करती है, इट मींस आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। हाँ, तो ये होता है, बहुत बहुत बार हमारे साथ भी होता है। हम कहते हैं नहीं, बच्चे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं टीचर्स को कि आज मैम का मूड ठीक नहीं है, और अगर हमने गलती से नंबर कम दे दिए तो उनके दिमाग में आता है घर में जरूर लड़कर आई होंगी, इसलिए हम पे गुस्सा निकालना है ना। और सिमिलरली दिस ऑल्सो कम्स टू आर प्रोफेशनल लाइफ, बेशक हम टीचर नहीं है, हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से लोग जज कर लेते हैं कि आज इनका मूड कैसा है। तो बहुत बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि उनके घर में लड़ाई भी हुई हो ना, और वो हमें सामने इतना हैप्पीली ट्रीट करते हैं, हमें लगता है अच्छा कल आपके साथ ऐसा हुआ था, हमें तो नहीं पता लगा आपको देखकर। तो हम देखते हैं कि कितना इजी होता है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक दैट, बट जब हम अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर देते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी इजी, तो हमें अपनी लाइफ बहुत स्मूथ लगने लगती है, और स्मूथ लाइफ ही हमारी जो जिंदगी है ना उसकी उसकी आत्मा है, उसका सोल है। क्योंकि हम सब यहाँ इस दुनिया में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, कन्फ्लिक्ट्स करने नहीं आए, क्लैशेस पाने रखने नहीं आए, या ग्रजेस रखने नहीं आए, हम यहाँ पर सब एक दूसरे से प्यार करने आए हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं ना। हम जो जो मैं हूँ वही आप हो, बस डिफरेंस ये है आप किसी और शहर से होंगे, मैं किसी और शहर की होंगी, मेरी लैंग्वेज कुछ और होगी, आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी, मैं किसी और घर में पैदा हुई, आप किसी और घर में पैदा हुए, बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज दैट वी ऑल आर ह्यूमंस। क्यों हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं? अगर हम आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे ना, अगर जब यहाँ ज्योग्राफी चैनल जो आते हैं तो उनमें जब हम वो एनिमल्स की केस हिस्ट्रीज बताते हैं ना, तो एनिमल्स भी जब चलते हैं ना, एक उनके उनमें यूनिटी दिखती है। अगर सपोज एक हाथी का झुंड जा रहा है तो उसमें किसी एक हाथी को प्रॉब्लम होती है तो सारा झुंड रुक जाता है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। हम ह्यूमंस में ये चीज क्यों नहीं है? बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस में जेलेसी फैक्टर, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा है। जेलेसी फैक्टर हो गया, कंफ्लिक्ट्स हो गए, उसका मैंने बुरा ही करना है। भाई क्यों करना है उसका बुरा? उसका बुरा करने से मेरा अच्छा कैसे होगा? जो इंसान ये सोचते हैं ना, उसको नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा ये कहा जाता है कि हर एक का सहारा बनो, उसे पुश करो आगे बढ़ने में, तो भगवान भी आपको धक्का देगा आगे बढ़ने के लिए। जब हम क्रिपिंग कर कर या कुछ करके किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, जैसे मूवीज में हम देखते हैं ना कि विलन को क्या कहा जाता है, विलन हीरो के लिए एक बहुत मैनिपुलेटिव रोल प्ले करता है और उसके लिए इतनी मैनिपुलेशंस करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बात सोचता है। सपोज उसने एक जो मतलब चक्रव्यूह चलाया जिसमें उसने उसको मारना है या किसी गड्ढे में गिराना है, तो एट दी एंड, इन दी एंड मूवी में ये दिखाया जाता है वो विलन ही उसी में ट्रैप हो जाता है जो उसने हीरो के लिए किया होता है। सो दीज मूवीज आर समहाउ गिविंग अस द लेसंस के रियल लाइफ में भी अगर हम किसी के लिए ऐसा सोचते हैं तो उसमें ट्रैप हम ही लोग होते हैं।
तो ये सबके अंदर आनी बहुत जरूरी है कि किसी का बुरा करके अच्छा नहीं मिलेगा, और इमोशनल इमोशंस को कंट्रोल कर ही हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने इमोशंस को किसी के सामने, अगर हम सपोज मैं ये बोलूं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और 24 घंटे में हंसती रहूं ना, तो भी ये दुनिया मुझे नहीं जीने देगी। वो ये कहेगी ये तो पागल है, 24 घंटे हंसती रहती है। तो कहाँ पर कैसे स्माइल करने, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ। कहाँ पे मुझे लाफ करना है, कहाँ पे मुझे स्माइल करनी है, मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिचुएशन को लेके चलना है। अगर सपोज बहुत खतरनाक सिचुएशन आ रही है और मैं बोलूँ आई एम वेरी पॉजिटिव, यार झेल लूंगी मैं इसको, लोग कहेंगे दिखावा कर रही है, इतना भी कोई भगवान मतलब इंसान हूँ भगवान नहीं हूँ जो मैं झेल लूंगी। तो कहने का मतलब है जहाँ पे मुझे अपने आप को थोड़ा सा सैड दिखाना है वहां दिखाना भी पड़ता है। सो दैट इज दी बेसिकली दी इंटेलिजेंस ऑफ माइंड, माइंड इंटेलिजेंस, कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को कैसे रखती हूँ। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वी मूव ऑन। Share something here, ma'am. यस Oh, हेलो। yeah, I'm Shailaja. I would like to share something over हाँ here. श्योर मैम प्लीज। This brought a thing into my mind freshly. See, when my daughter got married, there is a ritual in our thing. It's called Kanyadan. And यस during Kanyadan, every mother cries. And I don't know. I was crying inside the heart, but my tears didn't come. The priest commented, first time I'm seeing a mother who is not crying. You know, that taunts me even today. I was crying with inside, but I had made up my mind I should not send my daughter with tears. I want her to fly happily in her life. She's going into a new life. She should go happy, not send with tears. That was my attitude. But even today, when the priest said that, you know, he said, this is the first mother who hasn't shed tears so far. I said, what do you know? I'm crying inside. Maybe tears didn't come out. Within the heart, I was crying because I wanted to send happily. That was only my motto. So I was thinking, you know, as you said, I don't know, I should have cried maybe. Tears should have come then. The very thought, even now the tears are coming if I think of it. Please. So this example is somehow related with my grandmom's example. जब मेरी बुआ जी की मैरिज हुई थी, I was I think in class 3rd. तो उस टाइम पे तो वैसे भी मदर्स बहुत ज्यादा वो, और वो टाइम ऐसा था कि जिसमें हम प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं शो करते थे, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड इमोशनली यू नो वीक एंड ऑल दैट, कि वी हैव वी वांट रिलेशंस एंड ऑल दैट। तो उसमें मेरी भी दादी जी बिल्कुल भी नहीं क्राई किया था उन्होंने, वो बहुत स्माइल करते हुए भेज रही थी। एंड एवरी यू नो गेस्ट ऑफ आवर्स सेड आप कैसे हो, आपकी बेटी जा रही है और आप रो नहीं रहे। तो आई ऑल आई मतलब आई यू नो कॉल माय दादी जी एस चाय जी। तो मैं उनको कहती थी चाय जी आप नहीं रो रहे, सब कहते हैं बेटियां जाती है तो रोते, कहते वो लिटरली शी यू नो सेड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी ब्लेसफुल ब्लेसफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ। तो मैंने कहा आप रो, कह रहे क्यों रोना भाई, मैंने अपनी बेटी उनको दी है, रोने के लिए थोड़ी ना दी है, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए, बहुत खुशी है उसके पास आए, मैं रो के क्यों विदा करूं। उनके जाने के बाद वो घर पे बैठ के बहुत रोई है, बट उन्होंने पूरा मतलब बुआ जी के सामने बिल्कुल रोके नहीं दिखाया। सो जैसे अभी आपने बात शेयर किया, आपको प्रीस ने कहा था, उनको तो बहुत रिलेटिव्स ने कहा था कि कैसे हो आप रो नहीं रहे हो, आपकी डॉटर जा रही है, इतना बड़ा करके आपने भेजा। तो उन्होंने कहा मैंने आई फील फॉर माई सेल्फ दैट आई हैव गिवन माई डॉटर टू समवन एल्स, सो सी हाउ ब्रेव आई एम, तो मैं क्यों रो हूं, मैंने अपना एक बच्चा उनको दिया है तो वो अच्छी जगह पर जाए। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमारी लाइफ में यू नो हमें कनेक्ट करते हैं कि इमोशंस को। और ऐसा नहीं जो लोग रोते नहीं वो इमोशनली यू नो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या जो रोते हैं वही इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो द मेन थिंग इज दैट, द मेन डिफरेंस इज दैट कि वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर टू यूज आर इमोशंस इन अ यू नो बैलेंस्ड वे, हाउ टू यूज इमोशंस इन अ बैलेंस्ड वे, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस दे कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बिलोंगिंग, सो इन टर्न मे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ एंड प्रमोट अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। वी वॉन्ट वी ऑल वॉन्ट हेल्थियर लाइफ, वो कैसे पॉसिबल है व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, एंड व्हेन दीज स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हैव विद अस
वी ऑटोमेटिकली बिकम इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि वो कनेक्शन, वो जो सोसाइटी है जो हमारे साथ खड़ी है हमारे वीक पॉइंट्स में, हमारे वीक यू नो सिचुएशंस में, वो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। बहुत बार ये कहा जाता है ना, हमारे भी घर में हम सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि किसी की खुशी में जाऊं ना जाऊं लेकिन किसी के दुख में जरूर जाओ। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि उसको खुशी में फिर वो दो लोगों के साथ भी अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर लेगा, बट दुख में उसे चार कंधे चाहिए अपने दुख को यू नो उसे सपोर्ट करने के लिए, अपने जो जो वो क्राई करता है या जो इमोशंस बर्स्ट आउट उसके होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए, कि उसे लोग चाहिए। क्योंकि जहां पर ज्यादा लोग दिखते हैं ना दुख में, तो लगता है यार कोई अपना है, और माइंड में कहीं लगता है कि आई एम यू नो हैव ऑल ऑफ अस यू नो आई हैव अ सोसाइटी, यानी मेरा जो मेरे पास सोसाइटी है और जो सोसाइटी मुझे स्ट्रांगली इमोशनली सपोर्ट देगी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो इमोशनल टर्मोइल्स नहीं रहते। लेकिन जब हमें लगता है ना इतना सा दुख मुझे आ गया और मेरा कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है, बहुत बार हम सुनते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी फीवर हो ना तो कोई हमें ये पूछ ले ना तुम कैसे हो, तो हम ठीक हो जाते हैं उसमें, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं मोस्टली खासकर जो लेडीज होती हैं वो भगवान जी ने बहुत स्ट्रांग बनाई होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो फीवर भी होता है बहुत काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं वाइफ्स में मदर्स में या डॉटर्स में या सिस्टर्स में ये फीलिंग आती है कि जब मैं थोड़ी सी बीमार हूँ तो मेरे घर का कोई भी मेल मेंबर आके मुझसे ये पूछे तुम ठीक हो ना, वो जब वो पूछा जाता है ना तुम ठीक हो ना, वो हमें एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट देता है कि लगता है मुझे 103 फीवर भी है ना आई एम perfectly all right, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या। That is the strong connections, that is the strong social connections. और जहां पर कोई आपसे पूछता नहीं है तो ये बहुत से लोग जिनके साथ मैं कई बार डिस्कस करती हूँ ना अबाउट दिस कि भाई आपके सोसाइटी में या आपके एसोसिएटेड लोग आपके साथ किस तरीके से हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बार ये कहते हैं कि आई हैव अ हस्बैंड आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनीबॉडीज नेम, बट इन जनरल मोस्टली ऐसा 10% 15% लोग होते हैं कि मेरे हस्बैंड है वो बहुत पैसा मेरे पे खर्च करते हैं, बहुत उन्होंने लग्जरियस लाइफ मुझे दी हुई है, बट स्टिल ही डज नॉट हैव इवन यू नो हाफ अ मिनट टू सिट विद मी। जब भी मैं बोलूँ मेरे पास बैठो वो ये कहते हैं मुझे बहुत काम है। जैसे मैंने अभी बच्चों की एग्जाम्पल दी थी, तो उस टाइम पे वो वाइफ ही कहती है कि मेरे लिए पैसा किस काम का, मेरे लिए कोई काम का नहीं ना, बिकॉज आई डोंट नीड मनी आई नीड द टाइम ऑफ माई यू नो पार्टनर। सिमिलरली बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें ठीक है मनी इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग अ यू नो स्टेबल लाइफ, फॉर लीडिंग अ यू नो लाइफ जो हमारा जो है काम चला ले इस दुनिया में, लेकिन जो टाइम है जो कनेक्शन है जो बॉन्डिंग है जो इमोशनल बॉन्डिंग है बिटवीन अस एज अ पेरेंट्स बिटवीन अस एज अ पार्टनर्स वो तो बहुत बड़ी चीज है ना, वही तो रिक्वायर्ड है, वही मिसिंग है हमारी लाइफ में, एंड That is very much required in today's scenario. कहीं भी आप चले जाइए सिर्फ काम 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 की बात होती है, वो टाइम की बात ही नहीं है जो हम कहते थे ना पहले टाइम पे कहा जाता था कि एक ही कमरे में बैठ के सब लोग खाना खाते थे। आज एक घर में एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है, और 4 बेडरूम सेट है 3 बेडरूम सेट है, तो बच्चे को अपने ही रूम में खाना चाहिए, सभी रूम्स में टीवी लगा हुआ है। हम अपने जब अपने बचपन को देखें तो हमारे ड्रॉइंग रूम में या डाइनिंग रूम में सब लोग बैठ के खाना खाते थे, या ड्रॉइंग रूम में भी बैठते थे तो वहां ही टीवी लगा होता था, जिसने भी बैठना है सब लोग टीवी साथ में बैठ के देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन का वो बनता था, प्लेटफॉर्म बनता था, वहां पे सब लोग बैठ के डिस्कस करते थे, आपस में पूछते थे अच्छा स्कूल में क्या किया, एक्सटेंडेड फैमिलीज में या जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, चाचू कुछ बोल रहे हैं, चाची कुछ बोल रही है, पापा कुछ कह रहे हैं, दादू कुछ कह रहे हैं, आपस में सिबलिंग्स बातें कर रहे हैं, तो एक लगता था माहौल के 24 घंटे वो सेलिब्रेशन वाले माहौल रखते थे। आज की डेट में सन्नाटा लगता है घर में, आज की डेट में लगता है कि घर 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 लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे इमोशंस वाले जो वॉल्स है वो कहीं हमें नहीं दिखते। हम लोगों ने POPs करा ली हैं, हम लोगों ने जो है PVCs लगा ली हैं या टाइल्स लगा ली हैं घर में। पहले के सीमेंटेड हाउसेस भी हाउस नहीं होम लगते थे, आज के घर होम नहीं हाउस लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल बॉन्डिंग्स नहीं है आपस में, सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ है। बच्चों को पेरेंट्स चाहिए पैसों के लिए, बच्चे खराब नहीं है क्योंकि हमने ऐसा उन्हें बना दिया कि जब हमारे
पास टाइम नहीं है, विल गिव देम पॉकेट मनी इतनी सॉलिड वाली कि जाओ बाहर डोमिनोज में खा लेना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, हम लोग अपना टाइम निकाल रहे, तुम लोग अपना टाइम निकालो. हैव यू हर्ड अबाउट और हैव यू रिकॉल्ड दैट आरुषि केस, आरुषि नोएडा वाला केस, आई लिव अगर वेरी आप क्लोज लोगों टू को हर याद हाउस। होगा. हाँ आई जी लिव वेरी क्लोज टू हर हाउस मैम। ओके ओके, तो आपको तो सारी स्टोरी पता होगी मैम उसकी. यस तो हमें तो जितना न्यूज से पता लगा था कि वो भी कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस फील करता था बच्चा, तो जो उसे अटैचमेंट जिस भी वे में हुआ अपने सर्वेंट के साथ या जो भी कहानी बनी बाद में पेरेंट्स की कि पेरेंट्स ने क्यों उसे मार दिया वट एवर, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मैम जब बच्चा लोनलीनेस फील करता है, जब उसके इमोशनल टर्मोइल्स को उनको एक हम ये कह सकते हैं कि पाथ नहीं मिलता कि हाउ टू ओवरकम विद द इमोशनल टर्मोइल्स, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स उठते हैं. क्यों बच्चा बच्चा कोटा में सुसाइड करके नोट लिखता है कि पापा आई डिडंट सर्वाइव विद योर एम, व्हाट एवर यू वांट मी टू बी, तो आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट, तो आई एम डूइंग दिस सुसाइड, मैं नहीं काबिल हूं इसके. क्यों हम अपने बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मतलब आप ये देखिए, बींग एज अ पेरेंट, सपोज मुझे डांसर मुझे डांसिंग लाइन में जाना था फॉर एग्जाम्पल, और मुझे बहुत अच्छा डांसर बनना था, मैं नहीं बन पाई, तो मैं इम्पोज कर रही हूँ अपने ड्रीम को अपनी बच्ची पे. क्यों? जबकि मेरी बच्ची डांसर बनना ही नहीं चाहती. आज आप देखो कि एक एक बच्चा सबके पास, और सिंगल चाइल्ड, 90% लोगों के पास सिंगल चाइल्ड है या दो बच्चे, इससे ज्यादा नहीं, तो वो एक बच्चे को 10 एक्टिविटीज में डाला हुआ है. क्यों? आपने कभी उससे पूछा उसको क्या चाहिए? तो कैसे इमोशनली कनेक्ट रहोगे आप अपने बच्चों के साथ, कैसे उनकी फीलिंग्स को समझोगे? सो दीज आर स्मॉल स्मॉल स्किल्स विच वी एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी हैज टू इनकलकेट इन अस फर्स्ट. सबसे पहले हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है, देन ओनली वी आर एबल टू इनकलकेट दीज स्किल्स इन आर यंगस्टर्स. उनके अंदर तभी डालेंगे ना, नहीं तो बच्चे तो ये करेंगे, खुद तो आप कुछ करते नहीं हो, हमें आप ऐसे बोल रहे हो. आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, और आप तभी आपके साथ जो कनेक्टेड आपका स्पाउस होगा वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा. अगर आप नहीं करोगे, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे, बच्चा तो बोल देगा खुद तो करते नहीं, आप मॉम या डैड किसी को भी बोल देगा, आप उनको क्यों कह रहे हो करने को? तो आप ये चीजें जो है खुद क्रिएट करोगे अपने घर पर, अपनी जिंदगी में, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर रिलेशनशिप्स हेल्दी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. So now we wrap up quickly what we did in this session, that in leading a happy life, the trifecta of relationship, that is basically the triangle of relationship, empathy, relationship, empathy and emotional intelligence is somehow intertwined with each other. क्योंकि वो होलिस्टिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, रिलेशनशिप, एम्पथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. सो रिलेशनशिप्स फॉर्म द टेपेस्ट्री ऑफ आर एग्जिस्टेंस, जहां पर एम्पथी क्या सर्व करती है एज अ थ्रेड विच कनेक्ट अस डीपली टू अदर्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ गाइडिंग फोर्स विच गिव्स अस द कनेक्शंस विच अलाउज अस टू नेविगेट आवर लाइव्स अप्स एंड डाउन्स विद द ग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी आर इमोशनल इंटेलिजेंट देन ओनली वी आर एबल टू ग्रेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ आवर लाइफ, because we are able to understand our emotions, we have that awareness of our emotions, how to use in a better way, how to use in a qualitative way. So together they create a symphony of a harmonious relationship where empathy fosters mutual respect, emotional intelligence guides wise decisions and fulfilling connections which lead to a rich life with happiness and contentment, because that is the motto of our life as a human, that in the end we all need happiness. होता है ना, जब हम कहीं भी घूमकर आते हैं हम क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, बिकॉज वी रिलैक्स्ड एट आर होम. हमें रिलैक्स अपने घर पे ही होना अच्छा लगता है. व्हेन वी चेंज आवर क्लोथ्स, के हमने जो बाहर के कपड़े पहने थे उनको उतारा और रिलैक्स क्लोथ्स में हम घर पर आते हैं अपने ट्राउजर एंड टी शर्ट्स में, तो हम ये कहते हैं नाउ वी आर रिलैक्स, दिस इज द लाइफ वी वॉन्ट. सो सिमिलरली हम सब अपनी जिंदगी में एसी, फॉर्चुनर कार या रोज होटल में खाना नहीं पसंद करते. हम लोग सब इन दी एंड ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत स्मूथ चले, बहुत हैप्पी रहे, और वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी रिस्पेक्ट द रिलेशंस.
when we respect the emotions of others, when we respect our emotions also, not only others. जब तक हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स इमोशंस. एंड व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन, व्हेन वी अवेयर आर इमोशंस, व्हेन वी रिस्पेक्ट आर इमोशंस, ऑटोमेटिकली वी बिकम द एम्पैथेटिक इंडिविजुअल. वी रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर्स, एंड व्हेन वी आर एबल टू रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर्स, देन वी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन अस. हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी जब हम एक दूसरे को समझेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच टॉक्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप्स एंड एम्पैथी. सो एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क मी. फॉर टुडेज मैम, हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन सिंगल सेंटेंस. इतना आपने हैप्पी लाइफ, हैप्पी इमोशंस और मैनी काइंड ऑफ इमोशंस आपने बातें बताई. आई वुड लाइक टू शेयर ओनली सिंगल लाइन, ओनली अ हैप्पी पर्सन कैन स्प्रेड हैप्पीनेस. इवन आप हर समय आप खुद उदास रहोगे, अपनी आप इनकेस आप बीमार हैं, आपके साथ कोई इमोशनल कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर रही है, आप उसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे, बोलते रहोगे बोलते रहोगे, तो आपके क्लोजेस्ट वन, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, वही आप लोगों को आपको बोलने लग जाएंगे कि ये तो हर समय रोती रहती है, तो वही धीरे धीरे छोड़ने लग जाएंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस. वेरी थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू एनी वन ऑफ यू. आई विल बी शेयरिंग द फीडबैक लिंक एंड द असेसमेंट लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो आप उसकी टेंशन मत लेना. अटेंडेंस शीट, फीडबैक लिंक जो आपका कंबाइंड है, प्लस दी असेसमेंट शीट, वो मैं आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी. यहाँ पर हम एक छोटा सा बस 10 मिनट्स का और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता 5 o'clock सबको जाना है अपने घर. आप में से कोई भी शेयर कर सकता है. जो सेशन वन का जो आपने शेयर किया था असेसमेंट, उसका अटेंडेंस वाला तो बहुत इजीली फिल हो गया, लेकिन उसमें हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं. जो जहाँ पिक्चर अपलोड करनी थी उसको मैंने बहुत ट्राई किया, ड्राइव से भी और सब चीजों से ट्राई किया, नहीं उसमें अपलोड हो पा रहा. आई हैव रिटन वेरी नाइसली, बट वो उसको फोटो क्लिक करके वो अपलोड नहीं हो पा रही है. तो आई मे डू इट ऑन PDF या कैसे भी करेंगे. साक्षी मैम, काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है अपलोड उनसे ना, उसका नोट बना के, तो काफी लोगों ने हमें बोला है साक्षी वो नहीं हो पा रहा, एक्चुअली PDF पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, एंड इट इज नॉट अपलोडिंग आल्सो. ओके, आई ट्राइड फ्रॉम लैपटॉप आल्सो एंड फ्रॉम फोन आल्सो. ओके मैम, देन डू वन थिंग, जो भी आप लोगों ने लिखे है ना, आप मैं मेल आईडी अपना शेयर कर दूंगी, आप उस मेल आईडी पे जो है वो मुझे भेज देना. अटैचमेंट अपनी भेज देना. और दैट थिंग कैन बी डन, दैट गूगल फॉर्म शुड बी इन अ इजीयर वे, जैसे हमने नाम भरा है, सो द इंस्टेड ऑफ पिक्चर यू कैन जस्ट गिव अ गैप, सो व्हाट इज लाइफ. हां श्योर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी. आई थिंक आज के थैंक यू फॉर सच अ इमोशनल सेशन. The only, मतलब my appreciation from you people is that के अगर मैं आप लोगों के साथ connect हो पा रही हूँ ना, that is my, you know, 100% achievement, that I 100% even success that I get from this sessions. तो मुझे अगर लग रहा है, और कहीं भी आप लोगों को लगता है कि मेरा track कुछ different जा रहा है, आप लोग कुछ different सुनना चाहते हैं या कुछ different करना चाहते हैं, so please let me know. No, you are on your track, and it's a reality of our life. Actually, we are discussing our life with you, and it's really emotional. Today was really emotional session. Thank you so much. Thank you, ma'am, for this. Thank you so much. So, anyone else? Yes, Dr. Ji. Thank you so much. It was so nice. And thank see, you. Putting every time into PDF and all, we'll just answer it and send it on the Google form. Sure, ma'am.
case we have some more doubts, how can we connect with you? Apart from this. Apart from this, you have my number, ma'am, and I'm also sharing my email ID. So whenever you want to talk to me, you can, ma'am. I'm available till 1 p.m. at the night. Uske baad main thoda sa so jaati hu. Otherwise, if I have any doubts on Bhagavad Gita, I would like to discuss. Oh, sure, ma'am. Ma'am, are you coming to our campus on 17th? No, ma'am. We started a summer camp. Okay. Can't come. So whenever you come to Delhi or Gurugram, anywhere, please let me know. I'll definitely meet you in person. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. I have taken permission from Geeta ma'am also. Okay. So I won't be able to meet. Ma'am. It's really nice to be connected with you all in person. I really like you all, ma'am. You all are very nice. So, Lipika ji, Gayatri ji, if you want to say anything. मैम मैं ये कहना चाहूंगी ना कि जैसे मैम हमसे सेशन में पूछा जाता है हमारे लाइफ के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या आपके दिल में क्या छुपा है, दर्द क्या छुपा है, सुख क्या छुपा है, मैम इस सेशन में आके हमसे पूछा जाता है, अदरवाइज हमसे कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं मैम, कोई एक पर्सन नहीं है बाहर का जो हमसे पूछे कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। क्योंकि मैम जब मेरी मदर की डेथ हुई थी मैम 13 दिन तक तो मेरे घर में मैम बहुत लोग भरे थे, बहुत लोग, हर किसी ने मुझे एडवाइस दिया अकेले जीना है, लेकिन 13 दिन के बाद मैम मेरी नानी तक मेरे पास नहीं आई पूछने के लिए कि बेटा आप कैसे हो, किस हाल में जी रहे हो, अकेले हो, मेरा भाई नहीं है मैम, एक सिस्टर में शादी हो गई है, पापा और मैं और दादी रहते हैं, दादी का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, वो ज्यादा नहीं रहती हम लोगों के साथ, और पापा का भी मतलब इतना अटैचमेंट नहीं है हमसे, क्योंकि बचपन से हमने देखा है मैम पापा को बहुत रूड व्यवहार करते हुए मेरी मम्मी के साथ, और मैम पापा भी सोचते होंगे अभी कि मम्मी जब गई है तो अभी वो अकेली हो गई है। मैम बहुत कुछ है लाइफ के बारे में, मैं इस डिस्कशन नहीं कर पा रही हूँ, हम क्या बोलूं मैम, नहीं बोल पा रही हूँ मैं। लिपिका जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, प्लीज कॉल मी, आई एम देयर, डोंट वरी। आप ये सोचिए कि आज इस सेशन से यू हैव, आप मुझे अपना मेंटोर बोलिए, सिस्टर बोलिए, बड़ी बहन बोलिए, छोटी बहन बोलिए, कुछ भी बोलिए, आई एम देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी। प्लीज आप मेरे को कॉल करना जब भी आपको लगे आपका मूड डाउन है, जब भी आपका मन करे किसी से बात करने का, प्लीज आप मेरे से बात करना। यस मैम। ठीक है, और हमेशा खुश रहना। Yes, जिंदगी में खुश रहोगे तो बहुत खुशियां आएंगी। फॉरगेट पापा नहीं बुलाते, दादी नहीं बुलाती, दीज आर ऑल दी रिलेशंस जो हमें भगवान जी ने दिए हैं हमारे कर्मों के अनुसार। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप इस दुनिया में बस अपने कर्म करने आए। आप अच्छे कर्म करेंगे आपके साथ सब अच्छा होगा, और अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे कुछ हो भी रहा है ना, दैट इज जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, हमें बस उसको झेलना है। क्योंकि देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रामायण से कि भगवान राम भगवान थे, उन्हें पता था उनकी जिंदगी में वनवास आएगा, तो उन्होंने वो किया ना, उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। तो हम तो वैसे ही तुच्छ प्राणी हैं, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को कह दें कि भगवान जी हमें नहीं दो। बस हम ये प्रेयर कर सकते हैं कि गॉड ऑलवेज गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। सो व्हेनेवर यू वांट डिप्रेस्ड, व्हेनेवर यू वांट एनीथिंग, कि किसी से भी आपको कोई बात करनी है, आप ये सोचना कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, और हमेशा खुश रहना। आप एक बार अपनी फोटोग्राफ स्माइल करते हुए दिखा दो प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साक्षी मैम, मैं ऐड करना चाह रही थी। हाँ जी लिपिका, आप देखो कितनी कितनी स्वीट हो आप, और आप रो रहे हो, हाँ आप बहुत अच्छे हो, और ये मेरी बात मानना, इट्स नॉट ओनली कि मैं कह रही हूँ या कुछ, ये भगवान जी आपको देखना बहुत खुशियां देंगे आगे, बहुत ज्यादा। एक बात भी कहना चाहूंगी कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तब मैंने रेडियंट डे में, मेरा फर्स्ट महीना था यहाँ पे, मैं सीखने के लिए आई थी यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे आके ऐसा फील नहीं होता, यहाँ पे अपने घर जैसा लगता है। मेरा स्टाफ, डिंपल मैम, गीता मैम, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मैम। मैं ये भी बोलूंगी कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी
तो मैंने 13 दिन, मेरा फर्स्ट था, मैं मतलब पहला महीना था, मैं पूरे 15-16 दिन नहीं आई थी। लेकिन डिम्पल मैम से मैंने एक बार बोला था कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो किस तरीके से कैसे होगा, क्या मुझे जॉब से निकाल देंगे? मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला नहीं बेटा हम जॉब से निकालेंगे, हम आपके साथ हैं। मैम एक महीने के बाद मुझे पूरी सैलरी दी गई, एक भी सैलरी मेरी कट नहीं हुई है, एक भी सैलरी नहीं। मैम मैं मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इंडिया में आके, बहुत ही ज्यादा स्टाफ से, डिंपल मैम से, गीता मैम से, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ आके अकेला फील नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जब भी घर जाती हूँ, मैं मम्मी की जब भी फोटो देखती हूँ, एक बार दिन में मुझे रोना जरूर आता है, क्योंकि मैम मैं घर पे जाती हूँ ना तो बात करने के लिए कोई नहीं होता है। जब भी जाती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, तब भी मुझे मम्मी की याद आती है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मम्मी मेरे लिए खाना बना के बैठती थी, खाना खिलाती थी, मतलब जब तक हम लोग ना खाए तब तक नहीं खाती थी। और आज मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको खिला के लास्ट में जब खाती हूँ तो एक बार दिन में एक बार मेरे आंखों में आंसू जरूर आता है। जब भी मैं बेड पे सोने जाती हूँ तब भी मुझे मम्मी की याद आती है। मैम आज भी मैं साइड में तकिया रख के सोती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरे पास सोती थी, तो आज भी मैम जब भी मैं सोती हूँ, मैं जहाँ सोती हूँ उसके साइड में तकिया हमेशा रहता है मेरे, हमेशा। लिपिका कोई नहीं, आज लिपिका आपने, हाँ जी सॉरी मैम, साक्षी मैम, नहीं, बोलो बोलो लिपिका मैम। हाँ एक बात बताओ, मतलब मुझे लगता है एक तो डेस्टिनी ने हमें इसलिए ये प्रॉब्लम्स मिले हैं कि वी आर ए वेरी स्ट्रांग वुमेन्स। अगर तभी तो मेल को देखो ना कम प्रॉब्लम्स होती है कंपैरेटिवली, वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेल। सेकेंडली मैं आपको बताऊं लिपिका, ये हमें मेरे को मतलब मैंने भगवत गीता से ही अध्याय से पढ़ा है कि कृष्ण भगवान ने यही बोला है कि आपके कर्मों में ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है और आपको ये करना है, पर आप रो कर नहीं, अगर हंसकर करोगे तो आपको इसको करने में आसानी भी होगी और टाइम पास हो जाएगा। बिल्कुल मैम ठीक, मेरे ख्याल से शायद आपसे तो आप तो बहुत से बिल्कुल भी ठीक, शायद यही सीखा है भगवत गीता में। नहीं, तो बिल्कुल ठीक। लिपिका क्योंकि दुख दुख जब हम हंस के झेले ना, मतलब हंस के इन द सेंस यस लाभ मैम, करके दुख नहीं, तो देखे कि नॉर्मल हम, ठीक है आया से हम झेलेंगे तो वो बिल्कुल निकल जाता है। बाकी आप ये बोलो कि आप पे, लिपिका आप पे तो ब्लेसिंग्स हैं कि डिंपल मैम, गीतिका मैम, पूरा रीड इंडिया फाउंडेशन आपके साथ है, तो भगवान जी ने अगर एक दुख दिया तो साथ ही साथ आपको बैलेंस करने के लिए रीड इंडिया फाउंडेशन दे दिया है ना। बिल्कुल मैम। बाकी मैम रही देखो, बात, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैम से मेरी हमेशा बात होती रहती है, मैं हमेशा बोलती हूँ मैम कि कभी भी आप तो, जैसे आपके घर में आपकी बेटी आ रही है, आप खाना बना के खिला रहे हो तो मुझे कौन खिलाएगा। एक दिन मैं मैम से डिस्कशन बोल रही थी, मैम ने बोला कि बेटा तू तो कभी टेंशन मत लेना, कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं तेरी माँ हूँ। मैम बहुत ब्लेसिंग मिली है मुझे, थैंक यू डिम्पल मैम। तो अब आप भी हमारे पास आ रही है 17th को या नहीं? मैम ट्राई करेगी मैम। एक्चुअली में इसका एंगेजमेंट हो गई है तो ओ इसके इन लॉज अभी कंग्रेचुलेशंस, इन लॉज इसके शायद अब तो आप जिंदगी की नए फेज में जा रही है। सी हंसते हंसते जाओ और हंसते हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लिपिका अब उसको खाना बनाना सिखा देना, वो खाना बना के रखेगा। ठीक है ना, सो कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा रहेगा आपका। सो थैंक यू ऑल थैंक यू मैम, फॉर थैंक यू, एक्टिव थैंक लिसनर्स एंड थैंक यू, सच में आप लोग सब बहुत अच्छे हो। थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम, बाय। बाय बाय मैम।